قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي شأن الحديث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فوزدين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. मैं ये इल्तिमास करना चाहूँगा जो ये गायब बैठे हैं नौजवान भाई, अगर ये भी इधर आ जाएं तो चले, आज की रात है, कुछ मैं अर्ज़ो नियाज़ करूँ, आप सुने मैं सुनाऊँ, हो सकता है किसी के सुनने से मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, आपका भी हो जाए, किसी एक का दिल चोट मार जाएगा और किसी एक का अमल करने का सही बन ही जाएगा, तो अल्लाह करे सारे आ जाए। अली बिल के नाते मुस्तफ़ा करते हैं, जो मदीने जाते हैं मदीने से वापस पलट कर आते हैं, उनसे कभी पूछिएगा आपका दिल क्या कहता है, वो यही कहेंगे हर एक को कि जो नर्म है थे सुकून के सब मदीने तो दरख्तों के पत्ते जल जाते हैं, उनकी जिंदगियां खत्म होती हैं, नए पत्ते आते हैं, पुराने जल जाते हैं। अब तीन मौसम ऐसे हैं जिन्हें मदीने के अंदर दाखिल होने की इजाजत है, लेकिन मौसम खजां जिसके अंदर पत्तों की जिंदगियां खत्म हो इन्हें दाखिल होने की इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मदीना तब वो है जो उनकी जिंदगियां नहीं होती, उन्हें भी जिंदगी अता फरमाता है। ये तो मुर्दों को जिंदगी अता फरमाता है मदीना, तो इसलिए खजान को हुक्म है दाखिल ना होते बाकी गलियों में, इजाजत है नसीमा सरबा मुख्तसर है, कुछ बातें अर्ज़ो नियाज़ की करनी है।
चूंकि आज शबे कदर की रात है, शब कहते ही रात को है, शबे कदर है, कदर की रात है, और रमजान का महीना भी है और मुबारक रात भी है और नुज़ूल कुरान की भी रात है। खत्मे कुरान आज रात होगा ना मसाजिद के अंदर, आज रमजान की रात भी है, कदर की रात भी है, नुज़ूल कुरान की रात भी है और खत्मे कुरान की भी रात है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को रब्बे का इनाम ने फरमाया, ऐ मूसा मैंने उम्मत मुहम्मदिया को दो नूर अता फरमाए हैं, दो अंधेरे अता फरमाए हैं, दो नूर दिए, दो अंधेरे दिए। जब की बात किया अल्लाह अज़्ज़ वजल, तूने उम्मत मुहम्मदिया को दो नूर कौन सी अता फरमाए? रब फरमाता है कि मैंने उम्मत मुहम्मदिया को एक नूर कुरान अता फरमाया है, एक नूर रमजान अता फरमाया है। तो फिर अर्ज किया था तूने उम्मत मुहम्मदिया को दो अंधेरे कौन से दिए? रब फरमाता है ए मूसा मैंने उम्मत मुहम्मदिया को एक कब्र का अंधेरा दिया है, एक हशर का अंधेरा दिया है। मेरा तो मुनाजिम मुफ्ती मल्ला खान की रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जो ये चाहता है कि मैं कब्र के अंधेरे से भी बच जाऊं, हशर के अंधेरे से भी बच जाऊं, तो उसे चाहिए वो नूरे कुरान का भी इहतराम करे, नूरे रमजान का भी इहतराम करे। अल्लाह कब्र के अंधेरे से भी बचा लेगा, अल्लाह हशर के अंधेरे से भी बचा लेगा। तो ये वो नूरे कुरान की रात है और नूरे रमजान की भी रात है। कितनी प्यारी रात है, आज 27वीं शब है, इतनी प्यारी रात है कि मेरे मुस्तफा, अब इसका पसे मंजर क्या है? ये कदर की रात लैलतुल कदर हमें मिली है, इसकी बैकग्राउंड, इसका पसे मंजर, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह पोशीदा होती है। ये हमें शबे कदर मिली है, लैलतुल कदर मिली है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, वजह क्या है? वजह ये है, एक दिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कई वजूहात में से दो वजह बयान करूंगा, एक वजह ये है, मेरे मुस्तफा सोच रहे थे कि पहले जो नबी गुजरे हैं, पहले जो रसूल गुजरे हैं, उनकी जो उम्मत थी उनकी जिंदगियां बड़ी लंबी होती थी, बड़ी तवील होती थी, उनकी लंबी लंबी जिंदगियां, तवील तवील जिंदगियां होती थी, और मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि उनकी जिंदगियां भी लंबी हैं और उनकी नेकियां भी ज्यादा होंगी, मेरी उम्मत जो है इनकी जिंदगियां छोटी छोटी होंगी, 40 से 60, 40 से 50, 40 से 70, कोई 40 तक भी नहीं पहुंचता। फरमाया इनकी जिंदगियां भी छोटी हैं, इनकी नेकियां भी छोटी छोटी होंगी, थोड़ी थोड़ी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफा का इस उम्मत के बारे में गम करना देखो कैसा है, गम में उम्मत मनाना कैसा है। लोग आज हमें मिलाद मनाने नहीं देते, मेरे मुस्तफा ने गम में उम्मत मनाया है, वो तो हमें याद करते रहे हैं और ये सोच रहे थे या अल्लाह पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उनकी जिंदगियां भी ज्यादा, उनकी जिंदगियां भी लंबी, उनकी नेकियां भी ज्यादा, मेरी उम्मत इनकी जिंदगियां थोड़ी, नेकियां भी थोड़ी हैं। ताला ने साथ ही जिब्रील अमीन को भेजा और भेजकर आयत करीमा नाज़िल फरमाई, फरमाया महबूब आप अपनी उम्मत के बारे में गम ना करें, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, महबूब सुन ले तेरी उम्मत की जिंदगी कम होगी, लेकिन मैंने उन्हें एक ऐसी रात अता फरमाई है, अगर वो उस रात में दो नफल पढ़ लेंगे मैं दो नफलों के बदले तवील जिंदगी के सवाब जिनके नाम है मालूम बच बना लो। और जिंदगियां घट हो गई दो नफल पढ़ेंगे कदर रात में उन्होंने ओदा ने बराबर नेकियां ता फरमावा, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तो जिंदगी को कम कर दीजिए आगे समझने में आसान हो, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये अल्लाह ने हमें इस वली ये रात अता फरमाई। दूसरी जो इसकी वजह लिखी है वो ये लिखी है कि बनी इसराइल में एक अल्लाह के नबी गुजरे हैं, तफसीर अज़ीज़ी के अंदर इस बात को लिखा,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही फरमाई कि ऐ नबी जाओ फुना बादशाह से जाके पूछो तेरे दिल की तमन्ना क्या है, बादशाह को पूछो तेरे दिल की तमन्ना क्या है। अब अल्लाह के नबी गए हैं बनी इसराइल के अल्लाह के नबी उस बादशाह के पास और जाके फरमाते हैं रब ने मुझे पैगाम भेजा, तू बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है। अब वो बादशाह अर्ज करता है अल्लाह के नबी मेरे दिल की तमन्ना ये है, मैं अपनी जान अपने माल अपनी औलाद के जरिए अल्लाह की बारगाह में जिहाद करूं, अल्लाह के रस्ते में जिहाद करूं, मैं अपनी माल अपनी जान अपनी औलाद के जरिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह ताला ने उस बादशाह को 1000 बेटे अता फरमाए, कितने बेटे दिए 1000। अब 1000 बेटे दिए गए उस बादशाह को, उसने क्या किया बेटों को बड़ा किया। अब जब बेटे बड़े हुए एक बेटे को तैयार करता उसको जिहाद में बेचता, वो बच्चा जिहाद में जाता जाके लड़ता और पूरा एक महीना लड़ता रहता बिल आखिर एक महीने के आखिर में वो बच्चा उसका जो है शहादत पा जाता है, जिहाद में शहीद हो जाता है। फिर दूसरा बेटा जिहाद करता उसे जिहाद में बेचता, वो भी जिहाद करता लड़ते 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 वो भी शहीद होता। यूं करते करते उसका 1000 का सारे का सारा बेटा जिहाद में जाता शहीद होता, सारे बेटे जिहाद में के शहीद हो गए। भी आखिर अब वो बादशाह अकेला बचा है। अब उस बादशाह ने ये किया जब अपने बेटे को जिहाद में भेजता पीछे से क्या करता वो जिक्रुल्लाह करता, अल्लाह का जिक्र करता, सुबह रोजा रखता और सारी रात इबादत में सोता नहीं गुजार देता, इबादत में गुजारता। अब जब बेटे शहीद हुए खुद उसका आलम ये था इबादत गुजार भी था रोजादार भी था, अब सारे बच्चे शहीद हुए अब खुद जाता है तलवार लेकर अल्लाह के नाम में जिहाद करता है, अब खुद भी जिहाद करता 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 बिना फिर वो भी शहीद हो जाता है, खुद भी शहीद बच्चे भी शहीद माल भी फिदा कर दिया जाने भी फिदा कर दी खुद भी अल्लाह की बात करके जिहाद करते करते फिदा कर दिया। जब ये सारी बातें लोगों ने देखी लोगों ने कहा बंदा बड़ा खुशकिस्मत है, बंदा बड़ा नेक है, इसके सारे बेटे जिहाद में शहीद हो गए, इसने सारा माल अल्लाह की राह में खराब कर दिया, इसने अपनी सारी जिंदगी जो है अल्लाह की राह में रोजा रखकर इबादत करकर और जिहाद करकर गुजार दी है। फरमाया बंदा बड़ा नेक है, बंदा बड़ा मुत्तकी है, इस जैसा और कोई बंदा नहीं हो सकता, इस जैसा और कोई फर्द नहीं हो सकता। कितना नेक है, बच्चे भी शहीद हो गए माल भी फिदा कर दिया वो खुद भी अल्लाह की राह में जान दे दी, कितना नेक इंसान है। अब ये बातें हो रही थी मेरे मुस्तफा ने जब ये बात सुनी तो मेरे मुस्तफा का दिल बड़ा गमजदा हुआ कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा, लोग कहते हैं वो बड़ा नेक है सारे बच्चे शहीद हो गए उसने माल भी खराब कर दिया खुद की जान भी उसने शहीद कर दी। अल्लाह फरमाता है महबूब गमजदा नहीं होना, बिल्कुल कदर ही खैर के अल निशान ऐ महबूब हमने तेरी उम्मत को कदर की रात अता फरमाई है, जो इस रात ने दो नफर अता करेगा मैं उसे 100 शहीदों 1000 शहीदों से बढ़कर उसके नाम अमाल में जो सलाम कदर फरमा दूंगा जिसके बारे में जो मैं अभी अर्ज करने लगा हूँ कोई दुनिया की किताब नहीं बता सकती। दुनिया की कोई किताब उठा लो, दुनिया की कोई किताब पढ़ लो वो तुम्हें नहीं बता सकती ऐ किताब बता तेरा नाम क्या है, तू किसकी तरफ से आई है और किन की तरफ जा रही है और तेरे आने का मकसद क्या है और तू कब तक रहेगी और तेरा मकसद क्या है। कोई किताब की डिक्शनरी कोई ऐसी किताब वो अपना माफी जमीन बयान नहीं कर सकती। कोई किताब ये नहीं कहेगी मैं फुलां की तरफ से आई हूँ इस
मकसद के लिए आई हूँ, मेरे आने का मकसद ये है, मैं इसकी तरफ भेजी गई हूँ और मेरा ये मकसद है। ये कोई किताब नहीं बताएगी, लेकिन रब की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद एक बात ऐसी किताब है। जब हम इस किताब से पूछते हैं, ऐ कुरान मजीद फुरकान हमीद से जब हम पूछते हैं, जब हम अल्लाह के कलाम से पूछते हैं, ऐ अल्लाह के कलाम बता, ऐ रब के कलाम बता, तू आया किसकी तरफ से है और तुझे किसने भेजा है और तेरा मकसद क्या है, जब हम कुरान से ये बातें पूछते हैं, ऐ कुरान बता तेरा नाम क्या है, तो कुरान कहता है मेरा नाम है बल हुआ कुरान मजीद। वो कहते हैं मेरा नाम कुरान मजीद है। ए कुरान ये बता तेरा नाम तो कुरान मजीद है, अब तू आया किसकी तरफ है। कुरान कहता है नुस्सिला अला मुहम्मद, मैं मुस्तफा की जात पे नाज़िल किया गया हूं। ए कुरान तू मुस्तफा की जात पे नाज़िल किया गया है और तेरे आने का मकसद क्या है। कुरान के अंदर मेरे आने का मकसद ये है हुदल लिल मुत्तकी कहा मेरे आने का मकसद ये है कि जो जितने भी आलमीन के बंदे हैं मैं उनके लिए हिदायत बनकर आया हूं। ऐ कुरान जी बता, हमने ये सुना है तेरे अंदर हर चीज का इल्म है, तेरे अंदर हर चीज का इल्म पोशीदा है, बता तेरे अंदर कौन-कौन सा इल्म पोशीदा है। आज हम देखते हैं अंग्रेजी भी है, पंजाबी भी है, सिराकी भी है, अंग्रेजी भी है, अजमी भी है, अरबी भी है, सारी ज़बानें हैं, सारी दुनिया के अंदर ज़बान इस्तेमाल होती है। और कितने इल्म है, उसूल फिक्र है, उसूल हदीस है, हदीस का इल्म है, और बलागत का इल्म है, फसाहत का इल्म है, बलागत का इल्म है, उसूल तफसीर है, हम देखते हैं मंतिक का इल्म है, नह का इल्म है, सरफ का इल्म है, इतने उलूम है। ऐ कुरान ये बता तेरे अंदर कौन कौन सा इल्म है। कुरान कहता है इन्ना अंज़लना अलैकल कुरआना इन्ना अंज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन। कुरान कहता है मेरे अंदर अल्लाह ने तमाम इल्म को इकट्ठा फरमा दिया है। ऐ कुरान ये बता तेरे अंदर और क्या चीज पोशीदा है। कुरान कहता है कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफाउन लिमा फिस सुदूर वहुदौ वरहमतुल लिल मुत्तकीन। कुरान ये कहता है कि मैं